नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में दो दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद, सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी रोकने का फैसला। झारखंड में शनिवार व रविवार को होने वाली सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए 21 सितंबर और 22 सितंबर को पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएँ 5 घंटे से अधिक समय के लिए बंद रहेंगी। सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी और रविवार को भी यही प्रतिबंध जारी रहेगा। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि उन्होंने परीक्षा की तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, किसी भी परिस्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोरेन ने कहा, अगर कोई गलती से भी परीक्षा के दौरान कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। साथ ही उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को अपनी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं भी दी है। बता दें, जेएसएससी के एक अधिकारी ने कहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 823 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें लगभग 6,39,000 उम्मीदवार के शामिल होने की उम्मीद है। धनबाद में लगा जाम 27 घंटे बाद खुला, 12 किलोमीटर तक वाहनों की लगी थी कतार। ममता बनर्जी के निर्देश पर धनबाद के चिरकुंडा में मालवाहक वाहनों का लगा जाम शुक्रवार की देर शाम खुल गया है। 27 घंटे के बाद यह जाम खुला, तब जाकर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी है। बता दें, बंगाल में मालवाहकों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने से बंगाल से सटे धनबाद और बोकारो इलाकों में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मैथन से सटे डिबूडीह चेक पोस्ट से निरसा तक जीटी रोड पर 12 किलोमीटर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। वहीं बोकारो के चंद्र कियारी से सटे बिरखाम व बरमसिया सीमा को बंगाल सरकार द्वारा सील किए जाने से चंदन कियारी रघुनाथपुर रोड पर 3 से 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया था। वहीं पुरुलिया चंदन कियारी NH 218 पर बरमसिया में भी सैकड़ों मालवाहकों की लंबी कतार लग गई थी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों पर मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में शुक्रवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त हुई है। बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में कैबिनेट स्तर के कई मंत्री और वरीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कुल 36 एजेंटों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में पथ निर्माण विभाग से दुमका जिला अंतर्गत सुरेश्वर धाम मंदिर तक कुल लंबाई 4.98 किलोमीटर पथ निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 38 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति हुई है। वहीं स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग वित्तीय वर्ष 24-25 में ज्ञानोदय योजना अंतर्गत 291 माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त स्मार्ट क्लास की संचालन की स्वीकृति मिली है। वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के अधीन शहरी स्थानीय निकायों में संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त करने के लिए अभियंताओं को संविदा के आधार पर सेवाएं प्राप्त किए जाने की स्वीकृति के संबंध में कुल 107 लोगों को मिली है। ममता बनर्जी ने बॉर्डर बंद कर झारखंड से रिश्ता तोड़े। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस समय झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से नाराज हैं। नाराजगी की वजह यह है कि उनके एक फैसले से पश्चिम बंगाल के 11 जिले बाढ़ की पानी में डूब गए। ममता बनर्जी का आरोप है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन की वजह से यह सब कुछ हुआ है। यहाँ बता दें कि दामोदर नदी झारखंड बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसे दोनों राज्यों को शोक भी कहा जाता है। दामोदर के दंश से बचने के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया, जिसका मकसद दामोदर के पानी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना था। लेकिन अब यही दोनों राज्यों के बीच विवाद की वजह है। तल्खी इस हद तक बढ़ी कि ममता बनर्जी ने झारखंड से लगी सीमा को सील करने का फरमान तो जारी किया ही, झारखंड से रिश्ता तोड़ने का भी फैसला सुना दिया। बता दें, ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार झारखंड को बचाने के लिए बंगाल में बाढ़ लाने के लिए DVC के साथ सभी संबंध तोड़ रही है, जो दोनों राज्यों में काम करती है। झारखंड हाई कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर सुनवाई पूरी की। झारखंड के एक्टिंग चीफ जस्टिस SN प्रसाद और जस्टिस AK राय की खंडपीठ में राज्य के संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोकथाम लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया है कि केंद्र सरकार ने अपने शपथ पत्र में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह का एक मामला लंबित है।
उन्होंने कहा है कि राज्य में कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में इस याचिका को राजनीतिक एजेंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। साहेबगंज में बोले अमित शाह, घुसपैठियों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को साहेबगंज जिले के पुलिस लाइन मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित किया है। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनाई है, घुसपैठियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। अमित शाह ने कहा है कि यह भूमि आदिवासियों की है, लेकिन यहाँ घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आदिवासी 44% से घटकर 28% हो गए, चूंकि घुसपैठिए झामो कांग्रेस व राजद के वोट बैंक है, इसलिए यहाँ की सरकार जन कल्याण की जगह घुसपैठियों का कल्याण करने में लगी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि इस स्थिति को बदलने के लिए परिवर्तन जरूरी है, और यह परिवर्तन मुख्यमंत्री बदलने का नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार मिटाकर अच्छी सरकार लाने का है। आदिवासियों की भूमि बचाने और घुसपैठियों को बाहर करने वाली सरकार लाने का परिवर्तन है, राज्य में रोजगार की व्यवस्था करने वाली सरकार के लिए परिवर्तन है। राष्ट्रपति ने झारखंड को बताया तीर्थ स्थल, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। झारखंड आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह है, भगवान बिरसा की इस भूमि को मैं तीर्थ की तरह नमन करती हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रांची स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में शामिल होने आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ये बातें कही। नामकुम में संस्थान के परिसर में राष्ट्रपति ने ला उत्पादन के क्षेत्र में हुए शोध से संबंधित प्रदर्शनी देखी और कार्यक्रम को संबोधित किया है। वहीं राष्ट्रपति ने कहा है कि झारखंड का जनजातीय समाज ला उत्पाद से मुख्य रूप से जुड़ा है, ऐसे में संस्थान को चाहिए कि फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक क्षेत्र में इसकी बढ़ती उपयोगिता को पहचाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए नए अनुसंधान करे। JSSC कदाचार मुक्त कराए परीक्षा, CM हेमंत का आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आगामी 21 और 22 सितंबर को होने वाली सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को उन्होंने इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। बैठक में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से राज्य के मुख्य सचिव एल खियागते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग के प्रधान सचिव वंदना दादेल, DGP अनुराग गुप्ता एवं JSSC के अध्यक्ष प्रशांत कुमार तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि परीक्षा के लिए JSSC द्वारा बनाए गए SOP का उल्लंघन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ममता दीदी पर JMM का रिएक्शन, कहा शुक्र मनाइए सिर्फ गेट खोला है। दामोदर घाटी निगम के मैथन व पंचायत जलाशय से छोड़े गए जल को लेकर बंगाल की CM ममता बनर्जी की आपत्ति और उसके बाद सीमा पर ट्रकों को रोके जाने संबंधी निर्णय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपत्ति जताई है। झामो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ममता बनर्जी की मन स्थिति सही नहीं है, हेमंत सरकार किसी के सामने घुटने टेकना नहीं जानती, ऐसा होता तो हेमंत सोरेन जेल की यात्रा नहीं करते। DVC ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मैथन और पंचायत से बंगाल सरकार, झारखंड और DVC की टेक्निकल कमेटी की सहमति से ही पानी छोड़ा गया। इसके बावजूद ममता बनर्जी गलत आरोप लगा रही है, उन्होंने सीमा पर बैरियर लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मालवाहक वाहनों से पानी जाता है, दीदी को संवेदना होना चाहिए। मसान जोर से झारखंड को 1 लीटर पानी सिंचाई के लिए नहीं मिलता, पूरा का पूरा डूब क्षेत्र झारखंड का है, मैथन और पंचायत के सैकड़ों गांव डूबते हैं। 25 लाख की इनामी जया मांझी की रिम्स में मौत। धनबाद के एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार हार्डकोर इनामी नक्सली जया मांझी उर्फ सविता उर्फ चिंता ने शुक्रवार को रांची के रिम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। जया मांझी को 16 जुलाई को गिरफ्तार कर गिरिडीह केंद्रीय कारा लाया गया था। टाटा नगरी जमशेदपुर में ब्लैक आउट। जमशेदपुर शहर में उस वक्त ब्लैक आउट की स्थिति हो गई जब टाटा स्टील और टाटा स्टील UISL की ओर से दी जाने वाली बिजली की सप्लाई ठप हो गई। शाम करीब 7 बजे से लेकर रात करीब 10 बजे तक बिजली पूरी तरह कट गई, जिससे हड़कंप मच गया। बता दें DVC से सप्लाई बंद होने के कारण टाटा स्टील और टाटा स्टील UISL का सिस्टम ही ट्रिप कर गया, जिस कारण बिजली की सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई। इस कारण टाटा स्टील से प्लांट के कुछ के हिस्से टाटा मुख्य अस्पताल, टीन प्लेट अस्पताल, टाटा मोटर्स अस्पताल, MGM अस्पताल समेत अन्य सारे अस्पतालों में भी बिजली कट गई। काफ़ी मुश्किलों के बाद सिस्टम को दुरुस्त किया गया।
23 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन घेराव करेगा श्रमिक संघ। झारखंड ऊर्जा विकास संघ की बैठक सूर्य मंदिर परिसर बुड्डू के समक्ष हुई है। बैठक में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा है कि अपने 6 सूत्री मांग को लेकर 23 सितंबर को श्रमिक संघ मुख्यमंत्री कार्यालय प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेगी। झारखंड ऊर्जा विकास संघ ने एजेंसी व्यवस्था रद्द करने, पारा शिक्षकों के तर्ज पर 60 वर्षों का अनुबंध करते हुए 10 वर्ष वाली सेवा नियमित करने, होमगार्ड के समान वेतन देने, एरियर घोटाले बाजों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने सहित समान कार्य का समान वेतन देने की बात मांगी है। झारखंड की शालिनी आदिवासी महिलाओं पर करेंगी शोध। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप के लिए झारखंड की शालिनी साबू का चयन हुआ है। वह रांची विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत है। वे प्रथागत कानून और भूमि का उत्तराधिकार, झारखंड की मुंडा उड़ाव हो तथा संथाल महिलाओं के संदर्भ में एक वैधानिक दृष्टिकोण विषय पर शोध करेंगी। बता दें कि पूर्व में नेहरू मेमोरियल और म्यूजियम लाइब्रेरी फेलोशिप के नाम से प्रसिद्ध यह संग्रहालय प्रतिवर्ष शोध को बढ़ावा देने के लिए देश भर के स्कॉलर्स से आवेदन आमंत्रित करती है। अर्हताओं को पूरा करने पर एक रिसर्च प्रपोजल लिखने को कहा जाता है, जिसकी जांच विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा की जाती है। झारखंड आंदोलनकारी 30 को सीएम आवास के समक्ष करेंगे प्रदर्शन। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा रांची जिला की बैठक चामा मोड़ में आबिद अंसारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 30 सितंबर को झारखंड आंदोलनकारी की मान्यता के लिए जेल जाने की वैधता समाप्त करने, राजकीय मान सम्मान के साथ अलग झारखंडी पहचान, बेटा बेटियों को रोजी रोजगार व नियोजन के लिए 100% अधिकार की गारंटी देने, समान पेंशन राशि तथा प्रत्येक झारखंड आंदोलनकारी को 50,000 रुपये की राशि दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन व घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मोर्चा के संस्थापक व प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारी अपने अस्तित्व को मिटने न दे, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष और शहादत को तैयार रहे। पूर्वी सिंहभूम के पंचायत समिति सदस्य मंत्री इरफान से मिले। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर, डुमरिया, पोटका समेत अन्य प्रखंड क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से रांची जाकर मिले और उन्हें 4 सूत्री मांग पत्र सौंपे गए। ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के अधिनियम के तहत सभी पंचायत समिति सदस्यों को व्यवस्था संचालन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया। पंचायत समिति सदस्यों को प्रखंड स्तर पर होने वाले कई विभागीय बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ता है, इसलिए पंसस को भी सम्मानजनक यात्रा भत्ता दिया जाए। पंचायत समिति सदस्यों को वर्तमान समय में बहुत ही कम मानदेय दिया जा रहा है, इसलिए पंसस को न्याय संगत मानदेय राशि और निर्वाचित प्रतिनिधि होने की वजह से सरकार की ओर से बीमा का भी लाभ दिया जाए। अमित शाह ने खेला ओबीसी कार्ड। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचे। साहेबगंज और गिरिडीह जिले में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की पार्टी की भी जमकर आलोचना की। अमित शाह ने गिरिडीह के जमुआ स्थित झारखंडी धाम मैदान में अन्य पिछड़ा वर्ग कार्ड खेला है। अमित शाह ने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी पार्टी करार दिया, कहा है कि यह पार्टी हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। सबसे पहले इस पार्टी ने 50 साल तक काका साहेब कालेलकर की रिपोर्ट को दबा कर रखा, फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने लागू नहीं होने दिया। अमित शाह ने कहा है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने लगी तो राजीव गांधी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कहा है कि इस कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। हजारीबाग में माओवादियों ने चिपकाया पोस्टर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर जहां राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भापा माओवादी की भी गतिविधियां बढ़ चुकी है। वे तरह तरह के हथकंपे अपनाकर लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि बड़कागांव थाना क्षेत्र के गाँव तलसवार स्थित उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में भाकपा माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर चेतावनी दी है। घटना देर रात की है, इसके बाद से आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल है। साटे गए पोस्टर में लिखा गया है कि भाकपा माओवादी की स्थापना के NGGD 20वीं वर्षगांठ पर 21 से 27 सितंबर 24 तक क्रांतिकारी जज्बा एवं राजनीति उत्साह का पालन करने की चेतावनी दी गई है। पोस्टर में जन मुक्ति छापामार सेवा में भर्ती की भी बात लिखी गई है। साथ ही पुलिस मुखबिर
पीओ की मौत की सजा देने का ऐलान किया गया है। परिवर्तन यात्रा का मकसद महान झारखंड, विकसित झारखंड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्र को झारखंड की वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला। गिरिडीह जिले के जमुआ में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन सभा में उन्होंने जनता से अपील की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड की इस सरकार को उखाड़ फेंके। उन्होंने कहा है कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है महान झारखंड, विकसित झारखंड। अमित शाह साहिबगंज में भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन सभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर से गिरिडीह पहुंचे, जहां झारखंड धाम में शिव मंदिर में जाकर दर्शन एवं पूजा भी की है। यहां से वह जमुआ के झारखंडी धाम मैदान पहुंचे। झारखंडी धाम मैदान में अमित शाह ने धनबाद प्रमंडल के लिए भाजपा के परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति ने किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज पर दिया जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ICARNISA के शताब्दी समारोह में बोलते हुए कहा है कि किसान आज भी गरीबी में जी रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मधुमक्खी और पशुपालन पर भी जोर दिया और बोला है कि इसे छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। इस दौरान मंच पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, CM हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडे भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पौधारोपण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के जयकारे के साथ किया। उन्होंने कहा है कि झारखंड से उनका विशेष लगाव है। 2017 में इस संस्थान के साथ मिलकर कृषि मेले का उद्घाटन किया गया था। संस्थान ने लाख रेजिन जैसे कई उत्पादों में विशेष योगदान दिया। लाख के उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित करने का मौका मिला। CGL परीक्षा पर नक्सल आतंक का खतरा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र सौंपा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि CGL परीक्षा 21 और 22 सितंबर को निर्धारित है। इधर नक्सली 21 से 27 सितंबर तक स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसी कारण अभ्यर्थी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि मुख्यमंत्री और JSSC अध्यक्ष को ईमेल भी किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र भी जारी हो गया है। लगता है सरकार भी निर्धारित समय पर परीक्षा को लेकर अडिग है। पहले भी लापरवाही के कारण उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में दर्जन भर से अधिक अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। अभी भी कई अभ्यर्थी अस्पताल में हैं। वहीं अभ्यर्थियों ने पत्र में लिखा है कि यदि CGL परीक्षा के दौरान किसी भी छात्र के साथ कोई दुर्घटना होती है तो सरकार फिर से अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है। उत्पाद सिपाही दौड़ में एक और मौत। उत्पाद सिपाही दौड़ एक बार फिर से मौत की दौड़ साबित हो रही है। अब ताज़ा खबर गिरिडीह से है, जहां उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ प्रतियोगिता में एक अभ्यर्थी की मौत हो गई, जबकि दो लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान विरंची राय पिता दर्शन राय के रूप में हुई है। वह गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के गादी का निवासी है। वहीं इस दौड़ में दो अन्य लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन दोनों के साथ कुल 9 अभ्यर्थियों को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद बहाली दौड़ में शुक्रवार की सुबह अभ्यर्थी दौड़ रहे थे कि अचानक इनमें से कई की तबीयत बिगड़ गई। जब इलाज के लिए उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया तो इनमें से एक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कल्पना निकालेंगी मैया समान यात्रा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के जवाब में झामो अगले सप्ताह से मैया समान यात्रा निकालेगा। इसका नेतृत्व हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन करेंगी। इसमें झामो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता विधानसभावार जाकर मैया समान यात्रा निकालेंगी। यह जानकारी सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने पत्रकारों को दी। वह रांची के स्वराय भवन में आयोजित झामो कोल्हान प्रमंडल व पलामू प्रमंडल के जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में आई हुई थी। उन्होंने कहा है कि बैठक में इस यात्रा पर सहमति बनी है। बैठक में हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा है कि झारखंड वीर और क्रांतिकारी माटी में भाजपा के राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं। हमें मिलकर भाजपा के दुष्प्रचार का करारा जवाब देना है। CGL परीक्षा के लिए रांची रेल मंडल में 4 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा के मद्देनजर और ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। 21 से 23 सितंबर तक यात्रियों एवं परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। बता दें झारखंड में 813 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें से 6,39,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ट्रेन संख्या 08601 रांची भागलपुर परीक्षा स्पेशल 21 सितंबर को रांची से प्रस्थान करेगी। वहीं ट्रेन का रांची से प्रस्थान शाम 18 बजे होगा। ट्रेन का मुरी आगमन 19:30 पर व प्रस्थान 19:35 पर होगा।
धान बिक्री पर 100 रुपये बोनस देगी झारखंड सरकार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी दी है। अब झारखंड में धान की खेती करने वाले किसानों को केंद्र सरकार से प्रति क्विंटल मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार की तरफ से 100 रुपये बोनस दिया जाएगा। इसके लिए झारखंड कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने धान की MSP भी तय कर दी है। शुक्रवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट की तरफ से इस योजना के लिए कुल 60 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया है कि शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से इस संबंध में 60 करोड़ रुपए मंजूर भी दी गई है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।